Question number next. Show that the radius of curvature of the envelope of the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to f alpha is f alpha plus f double dash alpha, and the coordinate of the center of curvature is x is equal to minus f dash alpha sin alpha minus f double dash alpha cos alpha, y is equal to f dash alpha cos alpha minus f double dash alpha sin alpha. Okay, ध्यान से देखना बेटा, मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि मेरे को एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है और यहाँ से कहना चाह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होती है. ओके, देखता हूँ मेरे को दिया है क्या, दिया है और क्या सिद्ध करना है. मेरे को दिया है, क्या दे रखा है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है एफ अल्फा. मेरे को लाना है, पहले मेरे को सिद्ध करना है, देन टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है भाई, रो बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लानी है आपको, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा. ओके, उसके बाद में ये कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँगा, पहले मेरे को रो निकालना है. ओके, ध्यान से देखना, एक बार फिर लिख रहा हूँ. मेरे को दिया है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर वन. ओके, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन वन का अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशिएशन बोले तो आंशिक अवकलन करने पर सवाल पैदा होता है कि सर आप अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन समीकरण नंबर एक का क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि अल्फा ही पैरामीटर है. ओके, ठीक है ना, मैंने इसका आंशिक अवकलन किया, मेरे पास कितना निकला, डेल ओवर डेल अल्फा एक्स कोस अल्फा प्लस डेल ओवर डेल अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू डेल ओवर डेल अल्फा एफ ऑफ अल्फा. क्लियर, यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस एक्स, तो एज इट इज है एक्स साइन अल्फा हुआ, और साइन अल्फा का मेरे पास कितना होता है वाई इंटू कोस अल्फा हुआ, और बराबर मेरे पास कितना हुआ इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश अल्फा हुआ, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर टू. ध्यान से देखना, दोनों समीकरण में पहले लिख रहा हूँ उसके बाद आगे की बात करूँगा. जो दी गई समीकरण है मेरे पास वो कितनी है भाई, पहले वाली समीकरण कितनी है, वो दे रखी है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर मेरे पास है एफ ऑफ अल्फा, समीकरण नंबर एक. सेकंड निकल करके आ रही है मेरे पास कितनी, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा बराबर आ रही है एफ डैश अल्फा, ये मेरे पास समीकरण नंबर सेकंड है. ध्यान से देखना बेटा क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, मेरे को सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, उसके बाद आगे चलूँगा मैं. ओके, मैं कह रहा हूँ समीकरण नंबर एक को कोस अल्फा से और समीकरण नंबर दो को साइन अल्फा से गुणा करके जोड़ने पर. ध्यान से देखना, इक्वेशन एक को इक्वेशन वन को किससे गुणा करूं भाई, मैं कोस अल्फा से गुणा करने पर, अलग अलग करूंगा. ध्यान से देखना, गुणा करने पर जैसे ही मैं इक्वेशन वन को कोस अल्फा से गुणा करूंगा, ये मेरे पास निकलेगा एक्स इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इंटू
cos alpha बराबर cos alpha into f of alpha, ये तो निकली मेरे पास समीकरण नंबर वन। मैं कह रहा हूँ समीकरण नंबर टू को, इक्वेशन टू को, इक्वेशन सेकंड को क्या करूँ भाई मैं, साइन अल्फा से गुना करने पर, साइन अल्फा से गुणा मल्टीप्लाई करने पर। ओके भाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू फ्रॉम साइन अल्फा, मेरे पास कितना निकल गया, यहाँ से निकला मेरे पास एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर, इधर कितना निकला एफ डैश अल्फा, तो ये है, गुणा किया है मैंने सेकंड को कितने से, साइन अल्फा से गुणा किया है मैंने, इनटू साइन अल्फा, ये मेरे पास समीकरण नंबर सेकंड है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों समीकरण को, इसको आप ऐसे डाउट लग सकता है, इसको समीकरण नंबर ए मान लो और इसको समीकरण नंबर बी मान लो, ऐसे आपको डाउट लग सकता है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन ए माइनस बी करने पर, दोनों को घटा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इक्वेशन ए के अंदर से इक्वेशन बी को घटाया, पहले वाला स्टेप यानी लिख करके घटा दूंगा, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ मेरे पास है एक्स कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बराबर कितना है भाई, कोस अल्फ़ा है और एफ ऑफ अल्फ़ा है। यहाँ मेरे पास है माइनस एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा है प्लस वाई साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा है बराबर एफ डैश अल्फ़ा है और यहाँ है साइन अल्फ़ा। ये तो इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, मैंने दोनों को घटाया, देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है, ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये माइनस, जाहिर सी बात है ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। मेरे पास कितना निकला एक्स कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, मेरे पास कितना निकला भाई, यहाँ से मेरे पास ऊपर बना एफ अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस एफ डैश अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ओके, मैंने दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा, ये बना कोस अल्फ़ा माइनस एफ डैश अल्फ़ा, ये हुआ मेरा साइन अल्फ़ा, ये तो वन हो चुका, यानी एक्स बराबर जो निकला, क्या निकला भाई, ध्यान से देखना है बेटा, एफ अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा, और ये निकला मेरा साइन अल्फ़ा, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर सी। क्लियर, आगे देखता हूँ। सी के बाद मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अब की बार मेरे पास जो समीकरण नंबर वन और टू निकल करके आई है, या ए और बी जो निकल करके आई है, वहीं से देख रहा हूँ, समीकरण ए और बी, ध्यान से देखना बेटा, या स्टार्टिंग से ही देखो आप जो समीकरण नंबर वन और टू है, उसके बाद सी और डी की बात करूँगा। अब की बार मैंने क्या किया, समीकरण नंबर वन को, इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन को मैं साइन अल्फ़ा से गुणा करने पर, मैंने साइन अल्फ़ा से गुणा किया, गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई साइन अल्फ़ा, ये कितना निकला भाई, एक्स साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस, आपको डाउट लग सकता है ऐसे, प्लस ये पेज हटा दो यहाँ से, एक्स साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस कितना हुआ भाई, किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, साइन अल्फ़ा से, वाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर एफ ऑफ अल्फ़ा है, और मैंने गुणा किया कितने से, साइन अल्फ़ा से, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन एफ। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन सेकंड को,
इक्वेशन सेकंड को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर, बोले तो गुणा करने पर, ओके। जैसे ही मैंने इक्वेशन सेकंड को गुणा किया कोस अल्फा से, मेरे पास कितना निकला, माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा से गुणा किया वाई कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा। तो ये है, यहाँ आया मेरे पास कोस अल्फा, इसको मान लिया मैंने ई, इक्वेशन नंबर ई। इसके जस्ट नीचे मैंने क्या किया भाई, ध्यान से देखना है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि एफ प्लस ई, बोले तो इक्वेशन एफ एंड ई को ऐड करने पर, ऐड बोले तो जोड़ने पर, ओके। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया, लिख रहा हूँ पहले उसके बाद ऐड करूँगा, ये मेरे पास है एक्स साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस वाई साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है एफ ऑफ अल्फा इंटू साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर एफ। इसके नीचे मेरे पास कितनी है भाई, एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस वाई कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ रहा है, एफ डैश अल्फा इंटू कोस अल्फा। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, बोले तो जोड़ने पर, ओके। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूँगा, ये तो कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास इधर क्या बना, वाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना बना, एफ ऑफ अल्फा साइन अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा इंटू कोस अल्फा। दोनों में से वाई कॉमन ले लिया, मेरे पास कितना बना भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा साइन अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा कोस अल्फा। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो चुका, वन, यानी वाई बराबर जो निकला बेटा वो निकला एफ अल्फा साइन अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा कोस अल्फा, इसको मान लिया समीकरण नंबर जी। और आगे देखता हूँ, अगले पेज पर चलता हूँ, फिर लिखूँगा दोनों के दोनों। ध्यान से देखना बेटा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास जो x की वैल्यू निकल रखी है वो कितनी निकली हुई है, ध्यान से देखना आपका x कितना आ रहा है भाई, x तो आ रखा है आपका, ये x बराबर आ रहा है आपका कितना, एफ अल्फा कोस अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा साइन अल्फा, ये तो आ रखा है आपका x, क्लियर। y की बात करता हूँ, y आपके पास कितना आ रखा है भाई, y आ रखा है आपके पास कितना, y बराबर आ रखा है एफ अल्फा साइन अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा कोस अल्फा, ये आ रखी है आपके पास g। मेरे को क्या चाहिए है भाई, क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे को सिद्ध करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेरे को रो चाहिए, ओके। आगे देखता हूँ, हम जानते हैं रो बराबर जो होता है कितना होता है भाई, हम जानते हैं रो बराबर होता है वन प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू बटे वाई टू, ओके। यानी मेरे को सबसे पहले वाई वन, जहाँ वाई वन बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई टू बराबर होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ओके। बेसिक फार्मूले हैं आपको पता है, ये भी बेसिक फार्मूला है। मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ध्यान से देखना बेटा, एक्स कितना है मेरे पास, एक्स बराबर है मेरे पास एफ अल्फा
cos alpha minus f dash alpha sin alpha. ओके, मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, सॉरी अल्फा के सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, पैरामेट्रिक फॉर्म है इसलिए अल्फा के सापेक्ष करूँगा. मेरे पास कितना निकला, डी एक्स बटे डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओवर डी अल्फा. पहले वाला बना एफ अल्फा इंटू कोस अल्फा, दूसरे वाला बना माइनस डी ओवर डी अल्फा एफ डैश अल्फा इंटू साइन अल्फा. क्लियर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्लियर है ना भाई. यहाँ से मेरे पास निकला डी एक्स बटे डी अल्फा, पहले वाला एज इट इज, एफ अल्फा मेरा जो का तू डी ओवर डी अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा मेरा एज इट इज डी ओवर डी अल्फा एफ अल्फा, तो ये हुआ. यहाँ है माइनस का निशान, माइनस पहले वाला एज इट इज एफ डैश अल्फा एज इट इज डी ओवर डी अल्फा, ये हुआ मेरा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा एज इट इज, ये हुआ मेरे पास डी ओवर डी अल्फा एफ डैश अल्फा. क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ. यहाँ तक निकलने के बाद मेरे पास इधर क्या बना भाई, मेरे पास डी एक्स ओवर डी अल्फा की वैल्यू निकली, डी एक्स ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, ये तो हुआ मेरे पास कोस अल्फा का तो होता है माइनस के साइन अल्फा इंटू एफ अल्फा प्लस, ये हुआ मेरे पास कोस अल्फा इंटू एफ अल्फा का हुआ एफ डैश अल्फा. क्लियर, आगे देख रहा हूँ. माइनस यहाँ बना एफ डैश अल्फा, तो ये है अल्फा है बेटा, ये एफ डैश अल्फा तो ये है, साइन अल्फा का कितना हुआ कोस अल्फा, और यहाँ से माइनस गया अंदर, माइनस साइन अल्फा ये है, ये एफ डबल डैश अल्फा हो चुका. क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ. यहाँ तक निकलने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया भाई, आगे देखता हूँ क्या आ रहा है. मेरे पास डी एक्स ओवर डी अल्फा की वैल्यू निकली, डी एक्स ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, ये तो माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट हो चुके, माइनस साइन अल्फा है और एफ अल्फा है, और माइनस साइन अल्फा है एफ डबल डैश अल्फा है. क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ. यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या किया, इसकी एक बार और ज़रूरत पड़ेगी वाई के लिए इसलिए इसको रखा हुआ है अभी. मेरे पास ये निकला डी एक्स ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, साइन अल्फा भी कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, और इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर पी. क्लियर, अगेन y इज इक्वल टू कितना है भाई, y इज इक्वल टू है मेरे पास f अल्फा साइन अल्फा प्लस f डैश अल्फा कोस अल्फा, जो कि समीकरण नंबर g है. ओके, मैं कह रहा हूँ भाई कि इक्वेशन g का अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ओके, फिर ध्यान से देखना है बेटा आपको. मेरे पास निकला डी वाई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओवर डी अल्फा एफ अल्फा इंटू साइन अल्फा, पहले वाला तो ये निकला, प्लस डी ओवर डी अल्फा, अगले वाला जो मेरे पास निकला बेटा एफ डैश अल्फा निकला,
और यहाँ से निकला मेरे पास कोस अल्फा। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। मैंने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। यहाँ से हुआ डी वाई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, पहले वाला तो एज इट इज, एफ अल्फा एज इट इज, डी ओवर डी अल्फा ये हुआ साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा एज इट इज, डी ओवर डी अल्फा एफ अल्फा, पहला तो ये हो चुका। सेकंड की बात करता हूँ, इधर लिख रहा हूँ प्लस फर्स्ट एज इट इज एफ डैश अल्फा डी ओवर डी अल्फा कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा एज इट इज डी ओवर डी अल्फा एफ डैश अल्फा। क्लियर, यहाँ से मेरे पास क्या बना भाई, डी वाई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा, तो ये हुआ साइन अल्फा का कितना हुआ, कोस अल्फा हो चुका, प्लस साइन अल्फा एच डी जे एफ अल्फा का कितना हुआ, एफ डैश अल्फा हुआ, प्लस एफ डैश अल्फा तो ये हुआ अल्फा, ये गलती से आर लिख रहा हूँ बार बार, एफ डैश अल्फा तो ये है ओके, और कोस अल्फा का कितना हुआ, माइनस के साइन अल्फा हो चुका, प्लस यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, कोस अल्फा तो ये है, एफ डैश अल्फा का हुआ मेरे पास एफ डबल डैश अल्फा। ध्यान से देखना, एफ डैश अल्फा साइन अल्फा, एफ डैश अल्फा कोस अल्फा, कैंसिल आउट ओके। यानी मेरे पास जो रिजल्ट आया अभी तक के, वो डी वाई ओवर डी अल्फा की वैल्यू कितनी निकली, डी वाई ओवर डी अल्फा जो निकला बेटा, एक तो निकला मेरे पास एफ अल्फा कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा एफ डबल डैश अल्फा। मैंने पहले की तरह फिर कॉमन लिया, डी वाई ओवर डी अल्फा मेरे पास कितना निकला भाई, मैंने कोस अल्फा कॉमन ले लिया, मेरे पास बना एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, इसको मान लिया मैंने एम मान लिया ओके। अब मेरे पास इससे पहले वाली जो इक्वेशन आ रही थी इसकी बात करता हूँ, इक्वेशन पी से, समीकरण इक्वेशन पी से, पी क्या है मेरे पास, डी एक्स ओवर डी अल्फा है माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ है एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये मेरे पास इक्वेशन पी है ओके। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इक्वेशन एम डिवाइडेड बाई इक्वेशन पी करने पर ओके, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए सबसे पहले। मैंने क्या किया, उधर मेरे पास निकला डी वाई ओवर डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी अल्फा की वैल्यू है कोस अल्फा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाई माइनस के साइन अल्फा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट। यानी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स जो निकला, डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला भाई मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स माइनस तो ये है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, बोले तो डी वाई बाई डी एक्स बोले तो वाई वन बराबर निकला माइनस के कोट अल्फा। क्लियर है ना, आपका अगर कोई डाउट है, आपकी अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकली वो निकली y1 बराबर माइनस के कोट अल्फा, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर r। मैं कह रहा हूँ r का अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर देखता हूँ क्या निकलता है। इक्वेशन नंबर आर की बात करता हूँ बेटा, आर का इक्वेशन आर की बात करता हूँ ठीक है ना। जैसे ही मैं इक्वेशन आर का डिफरेंशिएशन करूँगा, मेरे पास यहाँ से निकला इक्वेशन आर और ये वाई वन है, यानी मेरे पास है डी ओवर डी एक्स करना है
और y1 बोले तो dy बाई dx करना है, और किसका करना है, माइनस तो बाहर है, d ओवर dx करना है कोट अल्फा का। ओके क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास निकला डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोट अल्फा का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा इन टू डी अल्फा ओवर डी एक्स। क्लियर है ना, माइनस माइनस तो हो चुका, प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा ओवर डी एक्स। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर एन। ओके बट समीकरण पी से, इक्वेशन पी से ध्यान से देखना क्या है, बट इक्वेशन पी से, इक्वेशन पी की बात करता हूँ, बट इक्वेशन पी से देखना बेटा, इक्वेशन पी क्या दे रखी है आपको, ध्यान से देखो आप इक्वेशन पी क्या दे रखी है, आपके सामने लिखी हुई है, कितना है भाई, इक्वेशन पी है डी एक्स ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा है, और यहाँ है एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, यही है ना। ये देखो आपकी इक्वेशन पी। ओके आगे की तरफ चलता हूँ, मेरे को चाहिए डी अल्फा ओवर डी एक्स, इस इक्वेशन का, ये मेरी इक्वेशन पी है, इसको उल्टा कर दूँ आप, कितना निकला डी अल्फा ओवर डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन, ये निकला साइन अल्फा और अंदर हुआ एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। ओके अब आगे कह रहा हूँ बेटा, डी अल्फा ओवर डी एक्स का मान इक्वेशन एन में, इक्वेशन एन में पुट करने पर। ओके जैसे ही मैं इक्वेशन एन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करूँगा, इक्वेशन एन मेरी ये है, मेरे पास निकल करके आएगा बेटा ये है इक्वेशन एन, यहाँ निकला डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हुआ कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू, यहाँ कितना निकला माइनस वन अपॉन साइन अल्फा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। क्लियर, यानी मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली, ये माइनस तो यहाँ आ चुका, माइनस ऊपर निकला मेरे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। क्लियर आगे की तरफ चलता हूँ, ये जो साइन है ना इसको ऊपर लेकर के गया मैं, मेरे पास कितना निकल गया भाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन ऊपर जाने के बाद कोसेक के अंदर कन्वर्ट हुआ माइनस कोसेक की पावर थ्री अल्फा डिवाइडेड बाई एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। क्लियर आगे की बात करता हूँ, ठीक है ना, आगे चलता हूँ, एक रिजल्ट की मेरे को ज़रूरत है जो कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये रखा हुआ। ओके ठीक है ना, और डी टू वाई बाई डी एक्स ये मेरे पास आ चुका वाई टू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई वन कितना निकल रहा है मेरे पास माइनस के है कोट अल्फा। ओके सबसे पहले मेरे को जो कैलकुलेट करना है, पहले नंबर पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है भाई, मेरे को दिखाना है टू प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को दिखाना है एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है। वाई टू की वैल्यू आ चुकी, वाई वन वैल्यू, वाई वन की वैल्यू आ चुकी, रो बराबर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वन प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू बटे वाई टू, ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। ओके आगे की तरफ चलता हूँ, तो मेरे पास रो इज इक्वल टू जो निकला बेटा
वन प्लस वाई वन की वैल्यू कितनी है, माइनस कोट अल्फा का स्क्वायर की पावर 3/2 बटे, यहाँ मेरे पास कितना निकला, कोसेक की पावर 3 अल्फा बटे एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। क्लियर है ना भाई, ये तो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा रो बराबर, ये तो पहुँचा सबसे ऊपर एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा तो पहुँच गया यहाँ, यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास निकला 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 बटे, ये तो बचा हुआ है ना, कोसेक की पावर 3 अल्फा। ओके, यानी रो बराबर निकला, ये तो एज इट इज है ही, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा ये तो एज इट इज चल ही रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 बटे कोसेक की पावर 3 अल्फा। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, जाहिर सी बात है मेरे पास जो लास्ट का रिजल्ट आया वो ये निकला, रो बराबर कितना निकला हुआ है, ऊपर निकल रहा है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, भाई इससे तो ये कैंसिल, इनटू में इसके कितना जा रहा है, कोसेक की पावर 3 अल्फा बटे कोसेक की पावर 3 अल्फा, ये इससे कैंसिल आउट, यानी मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर जो निकला वो निकला एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। ओके, और यही मेरे को सिद्ध करना था। क्वेश्चन देखो आपका क्या है, आपको जो लाना था रिजल्ट, रिजल्ट ये लाना था बेटा, ये रखा हुआ है क्वेश्चन आपका, सिद्ध करना था आपको कि रो बराबर एफ अल्फा एफ डबल डैश अल्फा। ओके, एक तो आ चुका ये क्लियर, सेकंड वाला इसका जो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वाला जो पोर्शन है मैं अगले लेक्चर के अंदर तैयार करूँ आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है, आधे घंटे से लगातार कैमरा चल रहा है, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जाकिर हुसैन एंड आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। बाय।